नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पेरोल पर है ओसामा बिन लादेन। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेन का दावा है कि उनके पास इस बात के सबूत है कि ओसामा बिन लादेन आज भी जिंदा और स्वस्थ है। अमेरिका ने 2011 में दावा किया था कि उसने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक स्पेशल कार्रवाई में ओसामा को मार गिराया था। मास्को ट्रिब्यून को दिए एक साक्षात्कार में स्नोडेन ने दावा किया है कि ओसामा जिंदा है और वह अब भी बहमास में CIA के पेरोल पर रह रहा है। स्नोडेन ने कहा कि मेरे पास इसके दस्तावेज है। खर्च करने के लिए हर महीने उसे करीब 65 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो उसके नसाऊ बैंक खाते में कुछ उद्योगपतियों और संस्थाओं के जरिए भेजे जाते हैं। स्नोडेन ने यह भी कहा कि उसे ये नहीं पता कि फिलहाल वह कहाँ है, लेकिन 2013 में वह अपनी 5 पत्नियों और बच्चों के साथ एक विला में रहता था। गौरतलब है कि स्नोडेन NSA की खुफिया जानकारियों को मीडिया के सामने लाने के बाद 2013 में फरार हो गए थे। वह फिलहाल रूस में शरण लिए हुए हैं। ईसाई पादरी सेबेस्टियन मार्टिन के यहाँ छापा। थाने पुलिस ने काला जादू एक्ट, सम्मोहन और धोखाधड़ी के मामले के तहत कथित ईसाई पादरी डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन के आश्रम पर छापा मारकर वहां से उनके खिलाफ कई सबूत जुटाकर आश्रम को बंद कर दिया है। थाने पुलिस को अब पादरी की तलाश है। यह पादरी मुंबई के पास वसई में हिलर बाबा के नाम से जाना जाता है। सेबेस्टियन दावा करता था कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं। इन शक्तियों के जरिए वह किसी भी आदमी की बीमारी ठीक कर सकता है। वह कहता है कि उसके पास उन बीमारियों का भी इलाज है जिन्हें साइंस ठीक नहीं कर सकता। बाबा सेबेस्टियन मुंबई के पास वसई में आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के नाम से हीलिंग सेंटर चलाता था। कुछ लोगों का आरोप है कि यह लोगों को चंगा करने की आड़ में धर्मांतरण भी करता रहा है। देश भर में ऐसे कई ईसाई पादरी हैं जो चंगाई सभा के नाम पर लोगों को स्वस्थ करने का दावा कर उनका धर्मांतरण करते हैं। हेडली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गवाही। भारत में घुसने के लिए आतंकवादी डेविड हेडली ने अपना नाम बदला था। इस बात का खुलासा खुद डेविड ने किया। लश्करे तैयबा के पाकिस्तानी अमेरिकी एजेंट डेविड हेडली को 26/11 मामले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की अदालत के समक्ष पेश किया गया। हेडली ने लश्कर में उसका संपर्क साजिद मीर से होने की बात भी कबूली। मीर भी इस मामले में एक आरोपी है। हेडली इस वक्त अमेरिका में किसी अज्ञात जेल में है। हेडली ने बताया कि वह 26/11 से पहले 7 बार और आतंकी हमलों के बाद 1 बार भारत आया था। उसने वर्ष 2006 में अपना नाम दाऊद गिलानी से बदलकर डेविड हेडली रख लिया था ताकि वह भारत में दाखिल हो सके और कुछ कारोबार स्थापित कर सके। इस दरमियान हेडली ने कई और राज भी खोले हैं।